HM पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची, हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। नौ निहालों को शिक्षा की राह दिखाते हैं हम। HM प्ले स्कूल रोड नंबर 13 द्वारिकापुरी लोअर चुटिया रांची। पूर्व खेल मंत्री सुबोध कान सहाय की ओर से एक बार फिर विवादित बयान जारी किया गया है। सुबोध कान सहाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का रिश्ता पति पत्नी का बताया है। पति और पत्नी फुर्सत मिलते ही एक दूसरे से अकेले में बातें करते रहते हैं। मोदी के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उस पावर प्लांट का जो एरिया है, अरे ये अडानी का, वो मोदी जी ने उसको बना के दे दिया। इस राज्य में औद्योगिक बहाली थी, 12,000 करीबन यहाँ का उद्योग हमारा बंद हो गया। हम ये लड़ाई लड़ रहे थे कि हमें औद्योगिक विकास के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन दिया जाए, लेकिन अडानी के लिए 100% पावर जनरेशन वो बंगाल में, बांग्लादेश में बेच रहा है और टैक्स बेनिफिट उसको 100% मिल गया इस इकोनॉमिक जोन का। ये है तरीका। और देश के सारे, चाहे वो पोर्ट खरीदा हो, चाहे वो एयरपोर्ट लिया हो, चाहे वो ट्रेन लिया हो, चाहे वो गैस पाइपलाइन लिया हो, चाहे वो कोयला का खदान लिया हो, कोई भी चीज ऐसा जो धरती पे है, जो पाताल में है और जो आकाश में है, वो सब है तो अडानी का है। और इसके लिए उसके लिए नियम बदले गए, कानून बदले गए, जिससे उनका फैसिलिटेशन हो गया। ये ऐसा दौर है। एक ही सिर्फ गुनाह था ना राहुल गांधी का, कि उन्होंने रिश्ते को एक्सपोज किया कि आप जब भी जाते हैं अडानी आपके बगल वाले रूम में विदेश में ठहरता है, आप लगता है पति पत्नी का रिश्ता है। यही ये मैं तो ऐसे लेमैन, हम लोग तो गांव देहात वाला ही समझते हैं कि भाई बगल में वही है, वो रात में जो है दरवाजा खुलते वो दोनों बतियाती है। तो ये रिश्ता अगर है, इसी को तो जानकारी चाहता था ना। उसकी सजा मिली 2 साल की जेल और उनका मेंबरशिप। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अंग्रेजों के जमाने में भी थोड़े उनके डेमोक्रेटिक तौर तरीके थे। अब रफली नहीं होता था, ईडी पीडी सब तो झेल रहा है देश पूरा, लेकिन ये नहीं होता था कि एक व्यक्ति के आवाज उठाने के चलते पूरे संसद को नहीं चलने दिया जाए। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।